सारे ही साथियों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप गल करांगे आरपीएससी पंजाबी का पेपर कैड़िया किताबों चो बनाउंदी है। फस्ट ग्रेड पंजाबी विषय का पाठक्रम संबंधी पुस्तकों की सूची म्यारी तैयारी किवें कीती जावे। तुसी वेख रहे हो पंजाबी टीचर राजस्थान कुलदीप सिंह, राजस्थान बोर्ड के पंजाबी विषय का पहला यूट्यूब चैनल। जिहड़ी आरपीएससी ने वंड कीती है नंबरां दी प्रश्नां दी, इस प्रकार है। सीनियर सैकेंडरी पद्धर दे 55 क्वेश्चन 110 नंबरां दे, स्नातक पद्धर दे 55 क्वेश्चन 110 नंबरां दे, होर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल दे 10 प्रश्न 20 नंबरां दे, ते शिक्षण विधियां पैडालोजी उस तो संबंधक 30 प्रश्न 60 नंबरां दे, 150 प्रश्न आणगे 300 नंबरां दे। होर आ जिहड़ा लेवल है वह उत्ते भी हो सकता है, जिवें कि अपने पिछले पेपरां दे विच होया है। सीनियर सैकेंडरी पद्धर की बजाए उतले पद्धर दे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पद्धर दे उन्हें ज़्यादा सवाल पाए, ये उसका विशेषाधिकार है, उनकी आप दुरवरतों भी कह सकते हैं। जिहड़ा पेपर दूजे का पहला भाग है उस विच सीनियर सैकेंडरी पद्धर की अगर गल की जाए तो उनके जेडे अपने बिंदु शामिल ने, अंडिठा पैरा काव्यंश उपर आधारित ज्ञान अर्थ ते भावमूलक प्रश्न, और अंडिठा पैरा दूजा वार्तक दे विचों आवेगा, और उनके सरलेख विषय वस्तु जिहड़ा विच कंटेंट दिता है उस तो संबंधित प्रश्न, शब्दार्थों तो संबंधित प्रश्न पाए जाएंगे। और ये जरूरी भी नहीं कि अंडिठा पैरा आवे, पर आपां एक बार सिलेबस की गल करते हैं। सिलेबस जिहड़ा आपां दिता गया व्याकरण, व्याकरण दे विच भाषा ते पंजाबी भाषा दीआं प्रमुख विशेषतावां, पंजाबी दीआं उपभाषावां, धुनि बोध, लिपि बोध, वाक बोध, अखाण ते मुहावरे, विश्राम चिन्ह, यह है सीनियर सैकेंडरी पद्धर का। परंतु वेख्या गया है पद्धर इस तो उत्ते ग्रेजुएशन लेवल का भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी हो सकता है। अगे है पहला भाषा विज्ञान की गल कर लिए, व्याकरण दे नाल भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान परिभाषा प्रकृति, धुनि विज्ञान धुनि व्योत विज्ञान, सरचनात्मक भाषा विज्ञान, चिन्ह ते चिन्हक, लोंग पैरोल, एकालिक दुकालिक कड़ीदार लड़ीदार संबंध, ते नोम चोमस्की दा रूपांतरी व्याकरण। इंदे लई जिहड़ी पुस्तकां ने, सब तो पहला तां आपां नूं सीनियर सैकेंडरी पद्धर लई जिहड़ी व्याकरण दीआं पुस्तकां पंजाब बोर्ड दे विच लगदी है, 10वीं दी पंजाबी व्याकरण ते लेख रचना पंजाब बोर्ड दी किताब लगदी है, बहुत ही बढ़िया किताब है स्टार्ट करने लई। उस तो बाद CBSE दी पंजाबी व्याकरण ते साहित्य बोध दी किताब, CBSE पंजाब बोर्ड दी, ये भी उत्थों मिल जाएगी। ते उस तो बाद सिद्धांतक भाषा विज्ञान प्रेम प्रकाश, इन्दे विच बहुत सारे बिंदु अपने कवर हो जाएंगे, और इन्हां दे ही चेले बूटा सिंह बराड़ दीआं किताबां पंजाबी व्याकरण सिद्धांत ते विहार, पंजाबी भाषा स्रोत ते सरूप, ये अपने लिए बहुत लाहेवंद होणगीआं। और भाषा ते भाषा विज्ञान हरकीरत सिंह दी किताब है, बड़ी प्यारी किताब है। और उस तो बाद अगर आप गल करिए दूजा भाग जिहड़ा ग्रेजुएशन पद्धर दा, पंजाबी साहित्य दा इतिहास पूर्व नानक काल तो आधुनिक काल तक, इंदे विच नाथ जोगियां दा साहित्य, सूफी काव्यधारा, गुरमत काव्यधारा, किस्सा काव्यधारा, वीर काव्यधारा, आधुनिक पंजाबी काव्य, आधुनिक पंजाबी वार्तक ते आधुनिक पंजाबी गल्प नावल ते कहानी, ते नौवां बिंदु है आधुनिक पंजाबी नाटक ते एकांगी। इस दे विच आपां नूं आरंभ विकास ते संबंधित राइटर दिते गए है। आ सिलेबस है जिहड़ा पिछली बार सिलेबस सीगा, इस बार सिलेबस च कोई थोड़े बहुत राइटर बदले भी जा सकते ने, पर किताबां यही लाहेवंद होणगीआं। आपां नूं ये किताबां लै लेनी है, और इन्हां किताबां दे विच्चों जिहड़ा अपना सिलेबस है वह राइटर छांटणे है, वह टॉपिक छांटणे है, वो ही आपां ने पढ़ने है। तो इंदे लई जिहड़ी किताब है साहित्य दी उत्पत्ति ते विकास, कृपाल कसेल परमिंदर सिंह गोबिंद सिंह लांबा दी किताब, ते पंजाबी अकादमी दिल्ली दीआं किताबां, और उन्हां सारां दा जिहड़ा निचोड़ है
नोट्स के रूप के सरजिंदर सिंह सेखों ने तैयार किया है पंजाबी साहित्य का नवीन इतिहास। तो सूफी काव्य का इतिहास है गुरदेव सिंह का, पंजाबी अकादमी दिल्ली की यह किताब है। इस विचों आप सूफी काव्य का बहुत ही वधिया इतिहास इत दिता गया, अपने जोड़े बिंदु है आप उस छाट के कवर कर लेने हैं। उस तो बाद पंजाबी अकादमी दिल्ली दियाँ कुछ किताबा ने गुरमत काव्य इतिहास जगवीर सिंह की, किस्सा काव्य का इतिहास कुलवीर कांग की, पंजाबी वार काव्य का इतिहास सतेंद्र नूर की, आधुनिक पंजाबी कविता का इतिहास रजेंद्र पाल सिंह की, नावल का इतिहास गुरपाल संधु की, नाटक का इतिहास सतीश कुमार वर्मा की, परवीश वर्मा का बापू, तो आधुनिक पंजाबी वारतक सतेंद्र सिंह की किताब। ये किताबा काफ़ी लाहेवंद हो गई। उस तो बाद जे अगले बिंदु की आप गल करिए पंजाबी भाषा और गुरमुखी लिपि का निकास से विकास से विशेषतावान, जी बी सिंह की किताब है जिहड़ी गुरमुखी लिपि का जन्म तो विकास, आ किताब ठीक है, बाकी जिहड़े होर लेखक ने उन्होंने इनू स्रोत रूप के इस्तेमाल किया, काफ़ी मैटर है इन्दे विच। सभ्याचार अते लोकधारा, पंजाबी सभ्याचार की विलखणता, जाण पछाण, पछाण चिन्ह, लोक साहित्य रूप, पंजाबी साहित्य रूप। इसलिए सभ्याचार अते लोकधारा के मूल सरोकार जीत सिंह जोशी की किताब इन्दे विचों तुहानू इह सारा मैटर मिल जाएगा। होर किताबां ने जिहड़ी पंजाब दा लोक विरसा करनैल सिंह थिंद दी, सभ्याचार ते पंजाबी सभ्याचार गुरबख सिंह फ्रैंक दी, ते एक किताब है पंजाबी लोकधारा ते सभ्याचार बलबीर सिंह पुन्नी दी, इस विच भी है मैटर। ते उस तो बाद लोकधारा बारे सभ्याचार बारे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वणजारा बेदी, नार सिंह, जसविंदर सिंह ये राइटर ने। उस तो बाद जे गल करिए आलोचना दी ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਫੋਟੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸਤੂ, ਲੌਂਜਾਈਨਸ, ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਤਾਬ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਵੇਖ ਹੀ ਲਉਂਗੇ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿਧੀਆਂ, ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਇੰਦਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਆ ਕਿਤਾਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਤੀ ਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਰਾਈਟਰ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਪਾਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
एक बार आ किताबां पढ़िया जान। एक जड़ी गल है वो ध्यान देने योग है कि हुण जिन्ने भी पेपर आ रहे हैं उन्होंने मियार काफ़ी उच्ची है, पता नहीं पेपर सैटर की चाहता है, पर अगर आप देखिए सारे पेपर का ओवरऑल पेपर का मोराल अगर देखिए तो ये वेख्या गया है कि लगभग पेपर दे विच कोई 10% है जिहड़े ऊट पटांग जे क्वेश्चन होंदे आ जिहड़े किसी किताब चों नहीं मिलदे, तो पंजाबी विच इन्हां दी परसेंटेज कुछ वध है। परंतु अगर जे आपां गल करिए सिलैक्शन नंबर दी, भाई जिथे सिलैक्शन होंदा है कट ऑफ तो उत्ते वाले, तो मेरा ये पूरा विश्वास है और पिछले पेपरां दे विच आ वेख्या भी है कि इन्हां किताबां दे विचों तुहानूं सिलैक्शन जोशन जरूर मिल जाणगे, उन्हां दे उत्तर जरूर मिल जाणगे। क्योंकि पेपर अगर बहुत वड्डी मियार दा हुंदा है तां जिहड़ा मैरिट है वह लो रहिंदी है, तो उस हिसाब नाल अगर इन्हां किताबां दे विचों बढ़िया तरीका नाल आपां कवर किया होया बिंदु आपां बढ़िया तरीके नाल तैयार किए हुए हैं तो जिहड़ा सिलैक्शन नंबर है वह आपां नूं जरूर हासिल हो जाएगा, वह आपां जरूर पा सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। तो उस तो बाद एक चीज़ होर जिहड़ी आपां नूं करनी है कि आपां तैयारी करन तो बाद या एक दो रिविजन मारन तो बाद प्रश्न पत्र है जिहड़ा UGC नैट वाला उहनूं जरूर हल करके वेखीए आपां, उहनां नाल की होवेगा कि आपां नूं प्रश्न पढ़न का तरीका, प्रश्न दे बारे सोचण का तरीका, उन्हां दे ऑप्शनां दे बारे सोचण का तरीका आपां नज़रिया बदलेगा। और जे कितें भी आपां 50-50 दे विच अड़दे हैं तो आपां सही दिशा वल जावांगे, सही उत्तर आपां लावांगे और आपां नूं खुद एक मियारी प्रश्न बनाने की आदत पै जाएगी। और आपां जदों भी पढ़ांगे तो उन्हां नूं ध्यान रखते हुए पिछले पेपरां नूं सरल तो लैके जटल की तरफ आपां तैयारी करनी है। इस तरीके नाल आपां तैयारी करिए कि पेपर भावें सरल आवे भावें औखे तो औखा आवे, सरल आऊगी तो मैरिट तां चली जूगी, जे औखा आवेगा तो मैरिट थले आ जाएगी। परंतु जिहड़ा सिलैक्शन नंबर जिहड़ा आपां नूं चाहिए वो इन्हां किताबां विचों तुहानूं जरूर मिल जाएगा। और प्रश्न पत्र हल करन नाल अपनी जिहड़ी सिली मिसटेक होंदी है पेपरां दे विच, प्रश्न का नज़रिया, ऑप्शनों नूं देखण दा नज़रिया, सही ऑप्शन तक पहुँचना इस विच आपां नूं सहायता मिलेगी। होर आ सारियां किताबां फस्ट ग्रेड दे नाल सैकंड ग्रेड लई भी लाहेवंद होणगियां, जदों नवां सिलेबस आवेगा तां सैकंड ग्रेड लई फस्ट ग्रेड लई दोबारा अपडेट जो है वह पा दित्ती जाएगी। और इस तों ज़्यादा किताबां लई अगर तुसीं जानकारी चाहते हो एक बार ये काफ़ी हो जाएगा वो भी दस दित्तियां जाणगियां। तुसीं वेख रहे सी पंजाबी टीचर राजस्थान कुलदीप सिंह, राजस्थान बोर्ड के पंजाबी विषय का पहला यूट्यूब चैनल। लाइक ते सबसक्राइब करन लई धन्नवाद।